लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 9 मुख्तलिफ नशिस्तों पर 36 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। सदर की नशिस्त पर मुनीर हुसैन भट्टी, अदीब असलम भिंडर और खुरम रफीक शाद आमने सामने। 14,228 वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला फतह देगा और अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कमाल मेहरबानी करते हुए वकला तबके के जरिए इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती कायम करें इस मुल्क के अंदर। लाहौर बार इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। उम्मीदवारों की भरपूर तैयारी। सदर की सीट के लिए उम्मीदवार जीत के लिए पुरउम्मीद। सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन कहते हैं कि इलेक्शन में कामयाब होंगे। जहांगीर ग्रुप के एसएन भवन भी इलेक्शन में तारीखी फतह के ख्वाहां। इलेक्शन आप देख रहे हैं, वकला में जोशो खरोश है, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए खड़े हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इंडिपेंडेंट ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी और उनके जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। वकला ख्वातीन भी किसी से पीछे ना रही, अपने अपने अंदाज में एंट्री। कोई नारे लगाने में मसरूफ तो कोई सेल्फी बनाने में। अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट भी आज आवेजा होगी। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। कई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार। ज़राए के मुताबिक सप्तैन खान का टिकट ना मिलने पर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली हल्का PP88 से उम्मीदवार थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। शफकत महमूद का किसी भी हल्के से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। शफकत महमूद ने NA 130 और PP 170 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इंतखाबात से दस्तबरदार। उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान तोनसा की नशिस्त से अपने कागजात वापस ले लिए। फैमिली ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के भाई सरदार जाफर बुज़दार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शहर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खुश सर्दी की वजह से शहरी धड़ाधड़ बीमार। नमूनिया के मरीजों में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से दुनिया भर में लाहौर 6 नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। डेंगू केसेस में नुमाया कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 2 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का नए रावी पुल प्रोजेक्ट का दौरा। पुल की तामीर के लिए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। पायलिंग और ड्रिलिंग में मसरूफ मजदूरों से मुसाफा किया। पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शाहदरा चौक का दौरा। तामीराती कामों की फिनिशिंग का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने कामों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर की तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत। चिकन और अंडों की कीमतें काबू में ना आ सकी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, रेट 602 रुपये किलो हो गया। अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा। कीमत 396 रुपये से बढ़कर 398 रुपये फी दर्जन हो गई। निरखनामा नज़रअंदाज। इंतजामिया मुकम्मल बेनियाज। सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त। प्याज 260, टमाटर 160, लहसुन 760 रुपये किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च 180, बंद गोभी 150 रुपये किलो तक दस्तियाब। अनार बदाना 950, अंगूर 750, सेब 400, खजूर रानी 600, पपीता 300 और अमरूद 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। मार्केट में किनू 320 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त।
ڈیڈ لائن سے قبل ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کمیشن صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر کا آفس کنٹینر میں شفٹ۔ صوبائی وزیر اسفر علی ناصر کو بند روڈ پروجیکٹ کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا ٹاسک۔ صوبائی وزیر کا پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا مختلف تھانوں کا دورہ، جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب نے راون سٹی پولیس اسٹیشن کی انسپیکشن کی۔ شادمان میں زیر تعمیر پولیس خدمت مرکز کا معائنہ کیا۔ تعمیراتی کام کو 31 جنوری تک مکمل کرنے کا حکم۔